वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? यह लिखा है अनुच्छेद एक में। किसमें लिखा है? पहले अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो यह आप याद कर लें अगर आपको याद नहीं है तो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में यह वर्णन है कि संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? यह है अनुच्छेद 39 में। आपको ध्यान रहे, ये सभी वो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद ही होने चाहिए। किसी भी कीमत पर आप याद करो, लेकिन आपको याद होने चाहिए। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यह है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? यह है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ये वर्णन है अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपको ध्यान रहे, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन 15 क्वेश्चन में से पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। अगर आपको 12 आते थे तो आप लिखेंगे 12/15। अगर आपको 14 आते थे तो आप लिखेंगे 14/15। लेकिन आप ईमानदारी से बताएंगे कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारा फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता रहता हूं, जिससे आपकी आंसर देने की हैबिट बन जाएगी और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूं।
तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।